इस वक्त अरवल जिले से एक खबर आ रही है जहां की कुर्था में 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा के ख्याल से ग्राम रक्षा दल के जवानों को पंचायत स्तर पर तैनात किया गया है। मौके पर ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष सोनू अपने जवानों को खुद मॉनिटरिंग करते दिख रहे। वहीं शैलेश कुमार सोनू ने मीडिया से मुखातिब होते बताया कि ग्राम रक्षा दल के जवान सालों से पंचायत में सुरक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आज तक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जो हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाते थे, जो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस का किया हुआ है, महात्मा गांधी का किया हुआ है, तो हम लोग हर जगह ग्राम रक्षा दल के नौजवानों ने कहां कहां झंडा फहराया है। मेरे ग्राम रक्षा दल के नौजवानों ने अरवल जिला के हरेक पंचायत में अपने मुखिया जी के पास उपस्थित होने का काम किया, झंडोत्तोलन में हिस्सा लिए, भाग लिए। और हम जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं, हर समय हर जगह फ्री में ड्यूटी करते हैं, फ्री में सेवा देते हैं। सरकार हमें कुछ पैसा नहीं देती है, न वर्दी देती है, न भत्ता देती है, सब अपने पैसे से वर्दी सिलवाते हैं और फिर भी हम हर जगह ड्यूटी देने का काम करते हैं। जैसे अगलगी हुआ और जैसे मुहर्रम हुआ, दीपावली हुआ, छठ पूजा हुआ, हर एक जगह हमने सेवा देने का काम किया है और करते हैं। कोई पैसा नहीं मिलता है, हाँ जहाँ मैं सेवा देता हूँ वहाँ हमें भोजन दे देते हैं, वो मेरा बहुत हो जाता है, लेकिन सरकार हमें कुछ पैसा नहीं देती है। सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं? सरकार के खिलाफ तो आंदोलन चलाए ही हैं और चल भी रहा है और आगे भी चलेगा। हमें हमारा तो नारा ही है कि जो ग्राम रक्षा दल के हित में बात करेगा वही बिहार में राज करेगा।